नमस्कार फ्रेंड्स, हरीश बाली ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। आज दिन की शुरुआत हम विजयवाड़ा में ट्रिपल एस इडली पे नाश्ता करके कर रहे हैं। चल के पहले अभी इडली खाते हैं, फिर बाहर आके हम फिल्टर कॉफ़ी पियेंगे। मैं काम करता हूँ, यहाँ से ना इडली का कूपन निकाल लेता हूँ। वैसे ये प्राइसेस यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो देखो, इडली आज तक जो हमने जब जब भी खाई है ना, राउंड शेप की इडली खाई है। पहली बार है कि मैं इस तरह की स्क्वायर शेप में इडली खा रहा हूँ। तीन किस्म की हमें चटनी मिल गई है, बेसिकली दो चटनी और एक पाउडर है। देखो ये इडली का ना सिर्फ शेप अलग नहीं है, शेप के अलावा स्वाद में भी फ़र्क है। मैं वर्ड स्वाद इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जैसे इडली सब लोग बनाते हैं ना तो पक जाता है पूरी तरह से। इन्होंने इडली में मुझे लग रहा है हल्का हल्का कच्चापन छोड़ा हुआ है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्का हल्का। जैसे कुछ दिन पहले हमने पेसरट्टू खाया था, उनका मेकिंग स्टाइल ये था कि हल्का सा पेसरट्टू में अंदर से कच्चापन छोड़ रहे थे, वो एक स्टाइल है। तो वो ऐसा मेरे को लग रहा है यहाँ पर इडली खा के। ये देखो ना, हल्का हल्का इसमें कच्चापन है और अलग ही चीज़ है। तो और ये थोड़ा सा घी डाल लिया चटनी के साथ लगा के, क्या स्वाद आ रहा है। और यहाँ बैठ के ना हमें ओल्ड वर्ल्ड चाम होता ना, पुराने ज़माने में कैसे होटल होते होंगे यहाँ से, मतलब 40 इयर्स 50 इयर्स पहले, एग्जैक्टली वही फील आ रही है। इस होटल में इडली के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। इस रीजन में ट्रैवल करते हुए आप तीन चीज़ मिस नहीं कर सकते। नंबर वन, कोकोनट का कम इस्तेमाल होता है, ग्राउंडनट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे अभी जो मैं चटनी खा रहा हूँ ना, ये सिंगदाने से बनी हुई है और थोड़ी सी मिर्च है। ये कारम पाउडर है, इसमें गार्लिक, लाल मिर्च, चना दाल, इस प्रकार से कुछ 5-7 इंग्रेडिएंट रहता है। और इसको आलम चटनी बोलते हैं, आलम बोले तो जिंजर। आलम चटनी, कारम पाउडर, ग्राउंडनट बेस्ड चटनी हर होटल में मिलता है। अदरक के साथ इमली की फुल खट्टा रहा है, लवली। कहाँ रहते हो आप? अच्छा बताओ, आपसे कैसे फट नाश्ते में वो लगा दो ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले अपने लिए आप इडली मंगवा लो, जैसे इडली खाते खाते बात करते हैं। खा लिया। नाश्ता हो गया आपका? हाँ। मैं जब अंदर आया था अब शूट चल रहा था। अच्छा 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 अच्छा, एक बात बताऊँ मैं, जब से मैंने ये कारम पाउडर, इडली कारम पाउडर और घी का कॉम्बिनेशन ट्राई किया ना, बड़ा मज़ा आने लगा है। वन ऑफ इट्स काइंड है, और ये मुझे लगता है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला कहीं नहीं मिलता ये कारम पाउडर। मिलता भी होगा तो लेस पॉपुलर नहीं है। इस होटल में आते रहते हो? 25-30 साल से आ रहा हूँ। हाँ, बहुत सालों से। हाँ बोल रहे हैं, 40 इयर्स ओल्ड होटल। अच्छा जी, पिछले 14-15 दिन के अंदर हम आंध्र प्रदेश में जितना भी घूमे हैं ना, जो सबसे बेस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया इडली का, दो जगह किया, बाबाई होटल और ट्रिपल एस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है टेस्ट। इसमें हमने बड़ी सारी इडली खा ली, बहुत सारा कारम पाउडर के साथ और घी के साथ और चटनी भी। अभी फिनिश करते हैं। तो जाने से पहले हम लोग ना कॉफ़ी पीने के लोग गए। मैलापुर कहाँ पर है? चेन्नई। मैलापुर। अच्छा, मैंने कल बाबाई होटल के बाहर कॉफ़ी पी थी, वो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगा था। अच्छा अच्छा, दिस इज़ गुड, बट वो तो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मेरे पूरे जर्नी का जो सबसे बढ़िया कॉफ़ी मैंने पी है ना, वो कल मैंने बाबाई होटल पे पी है। एक्सीलेंट, सही है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, होटल चलकर चेकआउट करते हैं, और हमको भवानी आइलैंड जाने का सोच रहे हैं। कितना समय लगेगा हमको यहाँ से? आधा घंटा। हाफ एन आवर।
सही है। भवानी आइलैंड में कुछ समय रुकेंगे और फिर आगे ऑन वे टू हैदराबाद। अच्छा लगा आपसे मिलकर, तो सबसे मेन बात है अचानक मुलाकात हो गई ना, सो हैप्पी टू मीट यू। मुझे बहुत खुशी हो रहा है। माय प्लेजर सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। भवानी आइलैंड जाने के लिए ना 140 रुपये एक आदमी का टिकट लगता है। सामने बोट खड़ी है ना, उस पे हम जाने वाले हैं। गया पहुंच गए एंट्रेंस पे ही। आंध्र प्रदेश टूरिज्म का ना हरिता रेस्टोरेंट है सामने। हाँ, ये क्या होता है, गाड़ी में घुमाते हैं पूरा ग्राउंड। तो यहाँ पर कुछ फूड का भी होता है, मतलब रेस्टोरेंट है ना सर, बोट उतरने का तो लेफ्ट साइड है, हरिता रेस्टोरेंट है हरिता का। आपको नाइट पे 9:30 तक अवेलेबल, टाइम क्लोजिंग टाइम। अम्यूजमेंट पार्क तो बच्चों के लिए, ओके। हैदराबाद इंटीरियर गार्डन्स का टोटल आपने कितना बताया, कितने एकड़ में? 133 एकड़। तो आइलैंड विजिट करने के टाइमिंग्स फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। 9 to 6 5:30 क्लोजिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम सर। रास्ता गया था आपको रोबोटिक पारवा से रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, पूरा नो एंट्री है, ओनली वॉकर्स। व्हाई सो? मतलब कोई एक्टिविटीज नहीं है इसलिए। अच्छा, तो गया था आपको बाय फॉल्क से, नो एंट्री। अगर एक्टिविटीज नहीं भी हैं तो भी वॉक कर लो तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब जानवर मंकीज जैसा, सांप जैसा है तो। अच्छा, वो जो पेस आते रहे सर, समझ गए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 2019 में डूब गया आइलैंड, 3 बार डूब गया। कृष्णा रिवर का वाटर लेवल इतना ज़्यादा राइज कर गया, मतलब 10 लाख टू 8 लाख से ऐसा पानी आएगा सर, इस पे ऊपर 4.5 फीट तक पानी आएगी। अच्छा, टोटल 1 एकड़ में 1 एकड़ सर। देख के लग रहा है कम से कम 10 टू 15 रूम्स तो है ही यहाँ पर, मतलब 40 रूम्स है सर। अभी वो क्लच क्लैंप के डैमेज चेंज कितना आज का पहला राइड सर। नो प्रॉब्लम, लो भैया 1 2 आगे 100 देता हूँ मैं आपको। ये सही था, 60 रुपये हमने चार्ज दिया तो हमें बैटरी कार में पूरा आइलैंड घुमा दिया 10 से 15 मिनट के अंदर। मैं सोच रहा था कि 60 रुपीज़ का जो चार्ज यहाँ पे बाइसिकल का लिखा हुआ है ना, ये पूरे दिन का है, तो मुझे लगा ठीक है आदमी 60 रुपये देके आराम से घूम सकता है। बाद में चला सिर्फ आधे घंटे का, तो आप आधे घंटे में बाइसिकल में राउंड करके बाइसिकल यहाँ छोड़ दो। बाकी बाइसिकल सामने से देखकर क्लियरली पता लग रहा है कि मेंटेन्ड है, ये अच्छी बात है। ये जो जो यहाँ फैसिलिटीज़ हैं उन सब के चार्जेस लिखे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले हमने रोबोटिक जुरासिक पार्क देखा, फ्री में कुछ नहीं है। आइलैंड एक बार आप पहुँच जाओ तो सब इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के आप चार्ज दोगे, बाकी जगह जगह इन लोग लिखा हुआ है कि ये कॉम्बोज हैं, ये जोड़ लें, हर जगह होता है, गुड है। और अभी हमको भैया ने बताया कि सैटरडे संडे के समय यहाँ पे 4 से 5 हज़ार लोग आता है, काफ़ी लोग आते हैं, हैवी क्राउड। यहाँ पे लायन की शेप का एक कॉटेज बना दिया है, ये काम बीच में रोक दिया। 2019-20 के अंदर ना हमें मालूम चला यहाँ पे वाटर लेवल इतना ज़्यादा राइज हो गया था कि पानी आइलैंड के अंदर आ गया था और ऑलमोस्ट इस लेवल तक।
तो काफ़ी तबाही हुई, उसके बाद इस जगह को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हो भी चुका है। मैं सोच रहा था रूम्स देख लेते हैं, लेकिन अभी ये कह रहे हैं सारे रूम्स ऑक्यूपाइड हैं। मैंने अभी पढ़ा 3500 रुपये लग रहे हैं AC डिलेक्स रूम के, और ट्री टॉप रूम के 2240 मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे के थोड़ा 300 रुपये एक्स्ट्रा है। लो जी अब सामने बोट आ गई है। भवानी आइलैंड कृष्णा रिवर पे है, तो अब समय कम है, नहीं तो मैं यहाँ का आपको ना एरियल व्यू दिखा देता, और वैसे भी स्काई बहुत ज़्यादा आज क्लियर नहीं है तो अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलती। फिलहाल तो कृष्णा रिवर देख लो आप सामने। कृष्णा रिवर के सामने आपको ब्रिज दिख रहा है ना, वो पहाड़ी है ना, वहाँ पर श्री कनक दुर्गा टेम्पल है, हम कल गए थे। नाइस। लौट कर वापस हम पार्किंग तक आ चुके हैं। विजयवाड़ा से चलने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पिछले 12 से 14 दिन में हम आंध्र प्रदेश में जहाँ जहाँ गए उन सब जगहों के मुकाबले में मेरे को विजयवाड़ा ज़्यादा क्लीन सिटी लगी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब समय हो गया है 11:30 बजे का, एज़ पर गूगल मैप्स हमको 5 घंटे लगेंगे अगर हम नॉन स्टॉप हैदराबाद जाते हैं। अब ऑब्वियस है नॉन स्टॉप तो हम जाते नहीं, हम तो रुकते रुकते जाते हैं, तो मुझे लग रहा है 6.5 आवर्स के आसपास का टाइम लगेगा। 8 बजे की हमारी फ़्लाइट है। मैं चाहता था शाम के समय हैदराबाद में मीटअप रख लूँ, लेकिन अभी थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, फिर भी कोशिश करूँगा अगर हो सके तो, ये मैं रास्ते में चलते हुए डिसाइड कर लूँगा। इवन इफ़ 30 मिनट या 45 मिनट्स का भी मीटअप हो जाए तो नथिंग लाइक इट। विजयवाड़ा से हमने लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र किया है। हाईवे पर ही हनुमान जी का 2nd tallest स्टैचू भी है और यहाँ पर मंदिर भी है। सामने देखिए लिखा है ना 135 feet tall स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान, और विशाखापट्टनम से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर श्रीकाकुलम है, वहाँ पर हनुमान जी का टॉलेस्ट स्टैचू है। आइए सामने चल के टेम्पल विजिट करेंगे और हनुमान जी के स्टैचू को नज़दीक से देखेंगे। देखो जी सो ह्यूज। वाकई में हनुमान जी का स्टैचू बहुत खूबसूरत बना है, देखते ही बन रहा है। ये टेंपल 19 साल पहले बना है, तो जाहिर है उसी दौरान यहाँ पर स्टैचू भी बना है। जिन टूरिस्ट को मालूम है कि हाईवे के बगल में स्टैचू है, वो लोग रुकते हैं, माथा टेकते हैं और फिर आगे जाते हैं। चलिए आगे की जर्नी हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। हनुमान जी के मंदिर से हमने 10 किलोमीटर का सफ़र किया है और एक ब्रिज के ऊपर गाड़ी रोकी है दो नदियों का संगम देखने के लिए। उस तरफ को आप देखिए जो नदी आ रही है ना, उसको बोलते हैं मुनेरू नदी, वो वहाँ सामने। ये मुनेरू नदी वारंगल से आ रही है और यहाँ पर उसका संगम हो रहा है वायरा नदी के साथ, जो वायरा गाँव से आ रही है। वायरा गाँव तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 70-80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, और यहाँ संगम दोनों का हो रहा है। अब यहाँ से ये बन जाती है मुनेरू, और मुनेरू नदी आगे जाकर कृष्णा को मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ समझेंगे, कृष्णा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गई मुनेरू, और मुनेरू की ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई, वायरा। ऐसा हम यहाँ पर आके समझ सकते हैं। इस समय देखो मुझे लग रहा है वहाँ आगे पीछे हो सकता है कोई डैम हो जहाँ पर पानी रोक रखा हो, इसकी वजह से पानी में बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं है। सही है, वैसे भी देखो कहीं पर दो नदियों का संगम देखने को मिले ना, मेरे को पर्सनली बड़ा मज़ा आता है। कहीं कहीं 3 नदियों का संगम देखने को मिले तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये मैं पहले से सोच रहा था, गूगल मैप्स में मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था वो जगह कितनी आगे आएगी, तो फाइनली हम रुक ही गए। चलो आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हाईवे पे चलते चलते ना दोपहर के 2 बज चुके हैं। लंच करने के लिए हम रुके हैं, इसका नाम क्या है, राजूगढ़ी थोटा। अभी हैदराबाद यहाँ से 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 2.25 घंटे का टाइम लगेगा हैदराबाद एयरपोर्ट पहुँचने में। चलिए अंदर चल के फाइंड आउट करते हैं लंच में क्या खा सकते हैं।
राजू हरी कोडी पुलाव लाइव। यहाँ पर मैंने लंच में अपने लिए पहले स्टार्टर्स मंगा लिए हैं जब तक मेन डिश आती है। ये जो हम खा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं रॉयला वेपड़ू, कह सकते हैं प्रॉन्स फ्राई। क्या दिख रहा है हमारे को? बहुत सारी हरी मिर्च, करी पत्ता, इंटरेस्टिंग। बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी है स्वाद में। जो फ्लेवर्स है ना, वो हरी मिर्च और कड़ी पत्ता का ही है पूरा, हल्के मसाले और सिंपल फूड। एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, कभी हम समुद्र किनारे जाकर प्रॉन्स फ्राई, प्रॉन्स करी खाते हैं तो प्रॉन्स का स्वाद अलग होता है। अब यहाँ पर अभी जो हम खा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है प्रॉन्स जो कल्टीवेट करते हैं ना, फार्मिंग करते हैं, वहाँ से प्रॉन्स सप्लाई होते रहेंगे, इसका स्वाद अलग है। इस रीजन में मैंने पिछले 3-4 दिन में देखा है प्रॉन कल्टीवेशन का काफ़ी काम होता है, इसलिए मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ। लो जी, मेन कोर्स आ गया पुलाव। पुलाव के साथ ना मैंने लिया है कंट्री चिकन करी, इसको बोलते हैं नाटू कोड़ी पुलुसु। मैंने क्यों बोला नाटू कोड़ी पुलुसु? पुलुसु तो मेरे को याद हो गया कि कुछ भी ग्रेवी में रहता तो वर्ड इज़ पुलुसु। तो नाटू कोड़ी पुलुसु का टेक्सचर देखो, डार्क ब्राउन कलर की ग्रेवी है। थैंक यू भैया। जब मैं प्रॉन्स खा रहा था ना, तो मैं टेस्ट में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी देख रहा था कि मसाले कुछ भी हैवी नहीं थे, एकदम होमली और लाइट मसाला। अब ये जो प्रिपरेशन है ना, ये अच्छी खासी मसालेदार है। बहुत सारी लौंग, इलायची, जायफल, जावित्री, मतलब जितने साबुत मसाले आप सोच सकते हो ना, उतने इसमें इस्तेमाल है, और इलायची काफ़ी ज़्यादा है। बेहतरीन, मज़ा आ गया। कंट्री चिकन का जो टेस्ट पुलाव के साथ है, गदर है, क्योंकि पुलाव में ना अलग से स्पाइसेस हैं और एक खुशबू है जो खाने में महसूस हो रही है। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, चिकन वेरी वेल कुक्ड, मज़ा आ गया। मुझे अगर पहले से मालूम रहता कि नाटू कोड़ी पुलुसु इतना टेस्टी होता है, तो मैं इस जर्नी में ना एक दो बार तो ज़रूर ट्राई करता। बेहतरीन। और द बेस्ट पार्ट पता है मालूम है क्या? इसका कॉम्बिनेशन पुलाव के साथ ही बढ़िया। अगर मैं नॉर्मल वाइट राइस लेता ना, तो टेस्ट थोड़ा सा कम आता, उतना बेहतरीन नहीं आता जितना अभी आ रहा है। ओवरऑल हाईली सेटिस्फाइंग मील। अच्छा हो गया हम लोग यहाँ पर रुके और ये टेस्टी फूड यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। लंच करने के बाद हम हैदराबाद के लिए चले। मुझे लग रहा था हम ना 5:30 तक पहुँच जाएंगे, लेकिन एयरपोर्ट पहुँचने में 6:15 हो गया। फिर सब्सक्राइबर मीटअप करी हमने एयरपोर्ट के बाहर ही, आधा घंटा उनके साथ समय बिताया। अब हमारी बोर्डिंग वगैरह सब कुछ होगी, सिक्योरिटी चेक हो गया है, एयरक्राफ्ट में यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। 8:30 की फ़्लाइट है, 2.5 घंटे बाद हम दिल्ली पहुँच जाएंगे रात को 11 बजे, तो 12:15-12:30 हो जाएगा घर पहुँचते। एयर इंडिया में मेरे को अच्छी बात पता क्या लगती है, आज मैं काफ़ी समय के बाद एयर इंडिया पे फ्लाई कर रहा हूँ, अच्छी बात क्या लगती है हमारे लिए कि इसमें ना 25 किलो लगेज लेके जा सकते हैं। जो चेक इन लगेज है ना, आमतौर पे बाकी सब एयरलाइंस में 15 kg होता है, इसमें 25 किलो है, और हमारा लगेज तो हमेशा ओवर होता है। 5-7 किलो लोग एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होते हैं नॉर्मल एयरलाइंस के साथ, तो एयर इंडिया में मैनेज हो जाता है, ये चीज़ अच्छी है। सही है, आज का दिन वैसे सही है, एक्साइटिंग चल रहा है। ये है कि काफ़ी सारा समय दिन भर का ना हमारा इसमें निकल गया ट्रैवल करने में। आई रियली विश कि अगर हम थोड़ा सुबह और जल्दी दिन शुरू कर लेते तो 1-2 घंटा हैदराबाद में भी स्पेंड कर लेते, मीटअप भी सिटी में कर लेते, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर से 1-on-1 मुलाकात हो जाती। मे बी नेक्स्ट टाइम।
अच्छा गोइंग बैक टू दिल्ली। अरे वाह लवली। आपके साथ में कौन रहते थे? बस यही साथ ही है, अभिलाष। अच्छा उमेश जीतू। उमेश का शिमला से है, जीतू दिल्ली से, अभिलाष दिल्ली से। ऐसे वीडियो बनाते रहते। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया रहा। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। एकदम आमने सामने सीट है। यस सर, थैंक यू बहुत बढ़िया। आराम से बात करते हैं उतर के। श्योर श्योर सर। ओके T3 टर्मिनल दिल्ली हम पहुंच चुके हैं, लगेज हमने कलेक्ट कर लिया है। ये एपिसोड एंड करने से पहले ना अपने मैं आपको टॉप एक्सपीरियंसेस बताता हूँ इस पूरे टूर के। साइट सीइंग अगर बात करें तो याराड़ा बीच, हम विशाखापट्टनम से गए थे, खूब मज़ा आया था। अंतर्वेदी और लंबा सिंगी हम पहले गए थे जहाँ हमने क्लाउड्स देखे थे अपने सामने। ये तो हो गया साइट सीइंग की बातें। फूड की बात करें तो दो एक्सपीरियंसेस एकदम रिसेंट है। ट्रिपल एस्पे इडली हमने आज नाश्ते में खाई, बाबाई होटल का इडली, उसके बाद कॉफ़ी ज़बरदस्त, और काकीनाड़ा में लंच सुबैया होटल। तो ये तीन यादें फूड की ऐसी हैं और तीन साइट सीइंग की जो मैं बहुत लंबे समय तक याद रखने वाला हूँ। अब एक काम करते हैं, क्योंकि टीम भी इधर ही है तो उनसे भी एक एक करके जानते हैं उनके साइट सीइंग और फूड के टॉप एक्सपीरियंसेस कौन से। जीतू जी आप आ जाओ पहले। हाँ जी बताओ। साइट सीइंग सबसे ज़्यादा मज़ा किस में किया? सब बोरा केव्स सबसे नंबर वन। बोरा केव्स ना, बताओ मैं तो भूल ही गया था। बोरा केव्स भी तो है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो वो ट्रेल वॉक थे ना, नेचुरल वॉक जो थी। हाँ, मैंग्रोव फॉरेस्ट का नाम क्या था? कोरिंगा। कोरिंगा, हाँ कोरिंगा मोर, कोरंगी, कोरंगी, कोरंगी। और वो जो कौन सी कहती है क्लाउड, जिसमें नीचे थे लंबा सिंह। ये तीन ट्रैवल उसमें, मतलब नेचर वॉक मैंग्रोव की, वो तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थी। मतलब वहाँ पे चले था एक्स्ट्रा का वो मिल रहा है। ऑक्सीजन। सबसे बढ़िया फूड में टॉप थ्री एक्सपीरियंसेस कौन से थे? सुबैया होटल। हाँ। और फिर बबे का वो इडली और वो सुबह जो हमने आज खाई। अरे सेम, मेरा भी ये टॉप थ्री है। वैसे एक चीज़ बता दूँ, ये सुबैया होटल पे जो लंच हमने किया था ना, ये मिस नहीं करना चाहिए। ये है कि ये पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मतलब वो लोग फूड तो एक तो प्यार से खिलाते हैं, तो आप ना भी अच्छा मन भी नहीं करता कि उनको बोलो। क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ सीरियसली। घूमने में मतलब साइट सीइंग के पॉइंट से तुम्हारे टॉप के कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, तीन या चार या पांच? सबसे पहले तो 1080 बीच। कौन सा? 1080 पार्क। अच्छा, वहाँ पे जो हाइट से देखा था सबसे शुरू में किया था हम। उसके बाद याराड़ा बीच, पूरे आंध्रा मेरे को दो बीच सबसे अच्छी लगी, और एक बोरा केव्स जो साइट सीइंग थे वो ठीक। खाने में पेस रट्टू बहुत अच्छे, पेस रट्टू हाँ। मील्स भी अच्छा था, जहाँ हमने वो पुत्रेकुल्लू ट्राई किया है, लेकिन जो स्वाद हमको आतरेपुरम में आया ना, तो अलग ही चीज थी। और विजयवाड़ा और वाइजैग दो मेरे को अच्छा लगा। वाइजैग सबसे पहले जो किया वो, और विजयवाड़ा बहुत अच्छा लगा। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमारे को घूमने पर, जितना देखा मतलब सफाई की, उससे मेरे को अच्छा लगा कि वहाँ क्लीन, मैंने सफाई का पूरा ध्यान रखा। अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि मुझे भी पर्सनली लगा कि बाकी जहाँ जहाँ हम गए ना, उन सब के अंदर विजयवाड़ा में क्लीनलेस ज़्यादा है, सफाई ज़्यादा है। हाँ जी, कहीं भी कचरा नहीं है, जहाँ पानी वाली जगह वहाँ कहीं भी कचरा नहीं दिखा, कहीं भी नहीं, बिल्कुल सफाई बिल्कुल अच्छे से रखी। अच्छा एक क्विक क्वेश्चन, ये टूर अगर हमें दोबारा करना हो सपोज, तो कहाँ तुम्हारे को लगता है कि हमें एक या दो दिन एक्स्ट्रा देना चाहिए? विजयवाड़ा और एक जो अपना हमसला देवी, 5 बजे हाँ बंद हो जाता है वो हमसला देवी। मतलब ढंग से नहीं की, पर उसको दोबारा जाकर हाँ, करना। उसमें क्या है मालूम, अट्रैक्शन क्या थी हमारे माइंड में कि हम वहाँ हमसला देवी बीच जाएं और वहाँ पर जाकर कृष्णा नदी को बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हुए देखें। ऑब्जेक्टिव तो यही था ना, लेकिन उस समय कैसा कि वो जाके मालूम चला कि वो टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते। लेकिन पॉसिबल तब हो सकता था अगर हम किसी फॉरेस्ट ऑफिसर से एडवांस में बात करके जाते या परमिशन जाके ले लेते और वो किसी को हमारे साथ भेजते। ऐसा कुछ वर्कआउट अगर हो जाता तो वो एक्सपीरियंस बन सकता था, क्योंकि नदी को समुद्र में जाते हुए देखना एक अच्छी चीज़ है। हाँ इंटरेस्टिंग है। चलो बहुत बढ़िया, अभी अभिलाष का एक्सपीरियंस जानते हैं। एक तो बोरा केव्स सबसे अच्छी थी देखने के लिए, सीरियसली। मैंग्रोव फॉरेस्ट अच्छा था हाँ, वो बोटिंग एरिया भी अच्छा था हाँ, लंबा सिंह भी अच्छा था, और फूड में पेसरट्टू ठीक, मतलब सबसे ऊपर पेसरट्टू था। प्लेन डोसा भी अच्छा था हाँ। कल सुबह जो हमने इडली खाई थी
बाबाई होटल, बाबाई होटल पे उसकी इडली और कॉफी अच्छी थी, मेरे को बड़ी पसंद आई। कॉफी तो सबसे ऊपर उसी की थी। ये तीन चीजें थी सर। सीरियसली सीरियसली सही है। अभी टाइम हो रहा है 11:45, काफी लेट हो गए ना, अभी यहीं भी बाय बाय कर देते हैं, ठीक है? चलो हम लोग बाहर तक चलते हैं, फिर निकलेंगे। चलो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।